जेपीजी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अप्रैल 2020 और प्रतिदिन की भांति आज भी हम लोग स्थिति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्रस्तुत है आज का पहला सवाल। COVID-19 महामारी से निपटने के लिए जैक डोर्सी के द्वारा $1 बिलियन की धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। जैक डोर्सी किस कंपनी के सीईओ है? जी हाँ, अब तक व्यक्तिगत रूप से सबसे अधिक धनराशि COVID-19 महामारी से निपटने के लिए दान देने वाले व्यक्ति जैक डोर्सी, ट्विटर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और फाउंडर हैं। आपको बता दें, जैक डोर्सी के द्वारा 6500 करोड़ रुपया यानी $1 बिलियन की धनराशि COVID-19 महामारी से निपटने के लिए दान में देने का ऐलान किया गया है। ट्विटर, जो कि सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स के द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए $100 मिलियन आर्थिक सहयोग देने का पिछले दिनों निर्णय लिया गया। अगला सवाल, COVID-19 से रोकथाम के लिए 5G प्लान किसने दिया? जी हाँ, COVID-19 महामारी से रोकथाम के लिए 5G प्लान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिया गया। 5G में फर्स्ट टी का मतलब है टेस्टिंग यानी जांच करना, सेकेंड टी का मतलब है ट्रेसिंग यानी पहचान करना, थर्ड टी का मतलब है ट्रीटमेंट यानी उपचार करना, फोर्थ टी का मतलब है टीम वर्क यानी कोरोना को हराने के लिए एक साथ मिलकर के काम करना, और 5G का मतलब है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग यानी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की निगरानी करना। ये 5G प्लान किसने दिया? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। यहाँ के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व मोबाइल ऐप किस प्रदेश सरकार ने जारी किया है? जी हाँ, कोरोना वायरस के कारण अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन किए गए लोगों के लिए रक्षा सर्व नामक मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और कोरोना वायरस के कारण जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है उनको प्रति 1 घंटे के बाद रक्षा सर्व मोबाइल ऐप पर अपनी सेल्फी को अपलोड करना है, जिसके माध्यम से उनका एग्जैक्ट लोकेशन तथा उनके हालत में कितना सुधार हो रहा है उस पर राज्य सरकार अपनी नजर रख सके। यह यूनिक स्टेप छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं अनुसुईया। छत्तीसगढ़ वही राज्य जहां 22 मार्च 2020 को सुकमा जिले में नक्सलियों ने 17 जवानों को मौत की नींद सुला दिया था। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर के जो नया राज्य बना छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, सेफ प्लस पहल किस बैंक से संबंधित है? जी हाँ, सेफ प्लस पहल स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, और इसी बैंक के द्वारा सेफ प्लस पहल की शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से कोरोना वायरस से राहत और बचाव में उपयोग किए जाने वाले मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हैंड सैनिटाइजर, शू कवर, वेंटिलेटर, हैंड गियर, बॉडी सूट, मास्क, दस्ताना इत्यादि का निर्माण करने वाली इंटरप्राइजेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए दिया जाने वाला लोन 50 लाख से बढ़ाकर के 2 करोड़ रुपया किया गया, वो भी सिर्फ 5% इंटरेस्ट रेट पर, और इसे नाम दिया गया क्या? सेफ प्लस पहल। अगला सवाल, COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए USAID भारत को कितना आर्थिक सहयोग करेगा? जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दें, USAID यानी यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट और USAID के द्वारा भारत में कोरोना राहत और बचाव के लिए कुल $2.9 मिलियन का आर्थिक सहयोग दिया गया। दरअसल पिछले दिनों भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस में कारगर दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके कारण अमेरिका सरकार के द्वारा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष
आग्रह पर भारत सरकार के द्वारा पुनः कुछ शर्तों के साथ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मेडिसिन पर निर्यात प्रतिबंध हटा लिया गया है और अमेरिका में स्थित यूएसएआईडी एजेंसी के द्वारा भारत में कोविड 19 से राहत और बचाव के लिए लगभग $3 मिलियन $2.9 मिलियन का आर्थिक सहयोग दिया गया है। वर्तमान समय में मार्क ग्रीन यूएसआईडी के चेयरमैन है। आपको बता दें, नई व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर कार्यरत फार्मासिस्ट अब स्वास्थ्य के सिपाही के नाम से जाने जाएंगे, जो कोविड 19 के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान मरीजों एवं बुजुर्गों को उनके दरवाजे तक अनिवार्य चिकित्सकीय सेवाएं और दवाएं उपलब्ध कराएंगे। स्वास्थ्य के सिपाही भारत सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जिसे पीएम बीजेपी के नाम से जाना गया, और स्वास्थ्य के सिपाहियों के द्वारा दवाएं मरीजों के घर तक पहुंचाए जाने का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जो कि केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, जिसके मिनिस्टर हैं सदानंद गौड़ा। प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयों के दाम बाजार मूल्य से कम किए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कोविड 19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? जी हां, तेलंगाना सरकार के द्वारा कोविड 19 महामारी पर राहत और बचाव से संबंधित मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल ऐप जारी किया गया है। तेलंगाना, जिसकी राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, यहां की राज्यपाल हैं तमिलराई सौंदर्य राजन। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। कोविड 19 मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप तेलंगाना सरकार और हैदराबाद स्थित वेरा स्मार्ट हेल्थ केयर के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अगला सवाल, डिजी लॉकर को राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी किसके द्वारा घोषित किया गया है? जी हां, मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा डिजी लॉकर को एक राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी के रूप में घोषित किया गया है और साथ में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को डिजी लॉकर के तहत अस्थाई योजना के रूप में राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी को लागू करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, डिजी लॉकर जो कि एक क्लाउड आधारित सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जिसको उपयोगकर्ताओं के द्वारा अपने आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखा जाता है। वर्तमान समय में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पे 5 अप्रैल को वर्ष 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में मनाया गया। यह दिन लोगों को आत्मचिंतन करने और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर सही रास्ते पर चलने के लिए चिन्हित किया गया है, अर्थात आत्म प्रेरित होने के लिए चिन्हित किया गया है और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2020 में ही 5 अप्रैल को मनाया गया। 5 अप्रैल को ही भारत में राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में भी मनाया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हास्य फिल्म अभिनेता बुलेट प्रकाश का निधन हो गया, ये किस पार्टी से संबंधित थे? जी हाँ, कन्नड़ फिल्म के दिग्गज हास्य फिल्म अभिनेता बुलेट प्रकाश का निधन हो गया। बुलेट प्रकाश का नाम भी बुलेट प्रकाश इसलिए पड़ा क्योंकि रॉयल इनफील्ड बुलेट के प्रति इनके लगाव के कारण ही इनको बुलेट प्रकाश के नाम से जाना गया और 2015 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन अपनी लीवर की समस्या की वजह से 44 वर्ष की अवस्था में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। बढ़ते हैं बेस्ट फीचर ऑफ द सेशन क्वेश्चन ऑफ द डे, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इस सवाल का जवाब आपको बताना है। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन मूल रूप से किस रोग की दवा है? जी हाँ, वर्तमान समय में कोविड 19 महामारी के दौरान हाइड्रोक्सी
क्वीन को एक कारगर दवा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और यह कुछ हद तक सक्सेस भी है, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मूल रूप से मलेरिया की दवा है। भारत सरकार के द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर पिछले दिनों निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा विशेष आग्रह किए जाने पर भारत सरकार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को पुनः निर्यात के लिए हरी झंडी दे दी। तो यह था आज का सेशन, इस आशा और उम्मीद के साथ कि कल न्यू करंट अफेयर वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।